वेलकम लिसनर्स, जोया चौधरी का नॉवल दिल जिद कर बैठा का एपिसोड 21। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे मुमकिन है कि भूल जाएं तुम्हें? कोई किस्सा नहीं, जिंदगी का हिस्सा हो तुम। समाविया सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से परी के आने का पता लगा है तुम काफी परेशान हो गई हो, फैजी ने उसके पास बैठते हुए देखा। ऐसी बात नहीं है, वो बस यूं ही। वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। कितनी अजीब हो ना तुम लड़कियां यार, कल उसे वापस इस घर में लाने का सोच रही थी और अब? फैजी ने तासुब से नफी में सर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, कसम से उसके आने पर आई एम वेरी हैप्पी कि वो वापस आ जाएगी, वो फौरन बोली थी। तो फिर किस चीज़ का डर है कि कहीं शोहर पलट जाएगा अपनी एक्स फियांसी की तरफ? फैजी को जाने क्यों एकदम गुस्सा आया था। नहीं फैजी, आई ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ नहीं है, वो माही बेआब की तरह तड़प कर बोली। सिर्फ कहती हो तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैंने और परी ने कभी भी फियोंसी वाली लाइफ नहीं गुजारी, हम लोग दोस्तों कजन्स की तरह रहे। क्या इन 4-5 महीनों में मेरी मोहब्बत में कमी या कोई खोट देखा? मैंने तो कसम से तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद परी को सोचा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर सोचा कि उसे वापस कैसे लाऊं। समाविया, अगर मुझ पर यकीन नहीं करोगी ना तो ये लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और खुद पर शक करने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देता। सो कल परी लौटेगी तो हमने वैसे ही रहना है जैसे पहले थे, और अगर तुमने मुझ पर कभी भी शक किया ना तो बहुत बुरी सज़ा भुगतोगी, अपना नाम छीन लूँगा तुमसे। फैजी का लहजा आज बहुत सख्त था, उससे गुस्सा क्यों ना था? वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या कुछ ना करता रहा और वो ही उसे बेयकीनी से देखे। फैजी, वो शॉक्ड हुई। मोहतरमा, याद रखना, अगर तुम्हारी इन आंखों में मेरे लिए कभी भी बेयकीनी आई ना तो तुम्हारे कहने से पहले ही देख लूँगा, और बहुत बुरा होगा क्योंकि मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ जायज़ रिश्ते के लिए है। मैं परी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं तुम से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, और फ़र्क पता क्या है कि उससे मोहब्बत एक कज़न एक दोस्त की है, जबकि तुमसे जीवन साथी की है जो हर लम्हे के साथ साथ बढ़ेगी। क्या तुम्हें एक लम्हे को भी शौक नहीं लगा कि जो इंसान घर लौटते ही जिसको तुम नजर ना हो तो पूछता है कि कहाँ है, तुम उसी पर शक कर रही हो? यू रियली हर्ट मी, उसने दुख से कहा। समाविया की आंखें बरस रही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने शक नहीं किया, बस एक डर सा लगा, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं, सॉरी। वो उसका हाथ थाम कर रो दी, और ये लास्ट वार्निंग थी। फैजी ने उससे देखा, ठीक है, अगर मैंने कभी भी शक किया तो आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी, वो फौरन उससे देखते हुए बोली। अब बस कर दो ड्रामा क्वीन, जाओ सो जाओ, शाबाश, सहरी के लिए भी उठना है। फैजी ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, आप नाराज तो नहीं है ना? उसने आहिस्तगी से पलकों को झपकी दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे नाराज नहीं रह सकता यार, बस थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसका हाथ थाम कर धीमा सा मुस्कुराया, थैंक यू सो मच। बदल से मुस्कुराई, अच्छा शोहर किस्मत वालों को मिलता है जो जीवन को खुशगवार बना देता है। ये आंखें अब ऐसे ही खुशी से मुस्कुरानी चाहिए। वो भी मुस्कुराया था तो समाविया ने गहरा सांस लिया। मैं तेरे सिवा किसी को 2 पल ना दूं और तू पूरे दिल की बात करती है। वहम से भी खत्म हो जाते हैं रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं हुआ करता। सैयद साहब 3-4 दिनों बाद हॉस्पिटल से घर आ गए। हुदैत ने आज सबके साथ रोजा अफ्तार किया। आज वो बेचैन बेचैन सा था। रुमैसा और अरहम भी आ गए थे। क्या हुआ? परी ने उसे देखा जो कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, क्योंकि माँ बाबा के पास जाना चाहता था, मगर अजीब सा लग रहा था क्योंकि 7 साल हो चुके थे। नथिंग परीशे, थैंक्स यार, हुदैत ने रुक कर उसे देखा था। क्यों? परी ने उसे नासमझी से देखा। मेरे दिमाग पर लगी गिरहें खोलने के लिए, शायद तुम ना समझाती तो मैं कभी समझ ना पाता। वो गहरा सांस लेकर बोला, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बायस खुशी है कि तुम और तुम्हारी फैमिली मिल जाओगे, वो एक उदास सी मुस्कुराहट से बोली थी। उदैत ने उसकी उदासी को देखकर गहरा सांस लिया। मैं मामा बाबा के पास जा रहा हूँ, तुम भी चलो। उदैत ने उसे देखा, मैं जा रही थी, वैसे भी वो चाय का कप उठाकर चली गई। चुराओ नजरें, छुड़ाओ दामन, बदल कर रास्ता, बढ़ाओ उलझन, तुम्हें जो दुआओं से फिर भी मैंने पा लिया तो क्या करोगी। सब बाबा के रूम में बैठे थे, परी और हुदैत भी वहाँ ही आ गए। सबने हैरानी से हुदैत को देखा, क्योंकि वो तो रासम की ज़िंदगी में ही आया था इस रूम में। आओ बेटा, सादिया बेगम खुशी से बोली। हुदैत चलता हुआ उनके पास आया और घुटनों के बल बेड के पास नीचे बैठ गया और हाथ उनके पाँव पर रख दिए। सादिया बेगम तो क्या, सब ने असहद हैरानी से उससे देखा। बेटा ऊपर बैठो, उठो, शाबाश, सादिया बेगम ने नफी में सर हिलाते पाँव पीछे किए। जितना नीचे गिर गया था उससे तो ऊपर ही हूँ, उसकी आवाज़ में दर्द और शदीद गम था।
नहीं बेटा, उन्होंने आंसू पीछे धकेले। मामा बाबा आज मुझे गौर से सुनिएगा प्लीज। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मामा बहुत बहुत गलत किया है मैंने, मैं पागल हो गया था। असल में रासम की आदत इतनी थी ना कि जो समझ आया उस टाइम वही करता रहा। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे माफ़ करते, मेरी गलतियों और गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, प्लीज़ माफ़ करते। वो उनके पाँव पर सर रख कर रो दिया था। सब के लिए गैर मुतवक्के था, सब ने असहद हैरानी से देखा। रुमैसा और अरहम जहाँ हैप्पी हुए वहाँ रो भी पड़े। नहीं मेरे बच्चे, तुम सही थे, उन्होंने रोते हुए उसके सर पर बोसा दिया। खुदैद उनको साथ लगाकर रो दिया था। आज पहली बार माँ के सीने से लगकर वो रासिम के लिए रोया था। बाबा नो वर्ड्स, वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला था। बाबा ने भी बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। कमरे में मौजूद सारे नफूस रो रहे थे। फिर वो असमारा की तरफ आया जिसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। खुदैद ने कर्ब से आँखें मीच कर खोली। सिर्फ मेरी एक फजूल अना की वजह से कितने हसीन पल ज़ाया हो गए यार, कसूरवार तुम भी थी, जिद करना क्यों छोड़ गई, कभी आकर गिरेबान नहीं पकड़ा कि भाई रासिम तो मर गया, खुदैद क्यों छीन रहे हो। असमारा यार माफ़ कर दो, वादा करता हूँ कि कभी भी तुमसे तुम्हारा भाई नहीं छीनूंगा, बल्कि रासिम की कमी भी किसी को महसूस नहीं करने दूंगा। वो उसके आंसू पहुँचते हुए बोला। खुद अपने आंसू भी निकल रहे थे, भाई था बहन के आंसू दुख दे रहे थे। असमारा रोते हुए सीने से आन लगी, दोनों बहन भाई रो दिए थे। हमेशा नहीं रहते चेहरे निकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। थैंक्स परी, सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, रुमैसा अपने आंसू पोंछ कर उसके गले लगी। इट्स ओके माय प्लेयर, वो धीमी सी मुस्कुराई। आई विश आज तुम यहाँ होते, खुदैद ने गहरा सांस लिया। उसके बाद अरहम और रुमैसा के गले लगा। बहुत रो लिया हमने माँ, अब और नहीं, मैं तस्लीम कर चुका हूँ कि ये सब किस्मत में था। और पता है ना रासिम को बहुत शौक था कि हम लोग एक हैप्पीएस्ट फैमिली की तरह रहें। मैं रीयूनियन चाहता हूँ, अब तो पॉसिबल है ना, अगर आप पहले वाला हुदैद चाहते हैं तो मुझे भी पहली वाली फैमिली लौटाएं। उसने दोनों को देखते गहरा सांस लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, सादिया बेगम ने मुस्कुराकर उसके हाथों पर बोसा दिया। एक्सक्यूज़ मी, परी जाने लगी तो उसने चौंक कर देखा। परी बेटा बैठो ना, सादिया बेगम ने उसे जाते देख कर कहा। नहीं आंटी आप सब बैठे, मैं तरावी पढ़ लूँ, मुस्कुराकर कहते हुए चली गई। हुदैद अब इसे भी लौटा दो फैमिली, इसकी इसी शर्त पर तुम्हारा साथ दिया था। अरहम ने उसे देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया। मामा बाबा को सारी हकीकत बता दो, फिर यही कुछ करेंगे क्योंकि अब सब इनके हाथ में है, उसने गहरा सांस लेकर मामा के मुकाबले बैठते हुए कहा। कैसी हकीकत, सादिया बेगम ने उसे देखा। मामा जान परी आपकी बहू नहीं है, उसने उन्हें देख कर आहिस्तगी से कहा। क्या मतलब बहू नहीं है, क्या वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो क्यों रह रही है तुम्हारे साथ। उन्हें तो शौक लगा था खुदैद की बात सुनकर। ओ मामा कूल डाउन, शी इज़ माई वाइफ, मेरा मतलब था कि उसका मेरे अलावा भी आपसे एक रिश्ता है, खुदैद ने मोहब्बत से उसका जिक्र किया। कैसा रिश्ता, उन्होंने उलझ कर उसे देखा। मामा आप मुझे रात के हाल और अपनी कहानी सुनाई, खुदैद ने उनको देखा। तुम्हें नादिया के बारे में कैसे मालूम, उन्होंने चौंक कर देखा। आपकी डायरी से पढ़ा था, वहाँ आपकी और हाला की पिक्चर्स भी थी, उसने सच्चाई से कहा। बेटा मैं और नादिया मामा बाबा की बहुत लाडली चुलबुली सी लड़कियां थी, बेहद मोहब्बत थी आपस में, जैसे तुम्हारे और रासिम के दरमियान थी। बाबा हमारे ननिहाल वालों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मामू चाहते थे कि नादिया की शादी वहीद से हो और बाबा ने इनकार किया, बट मामा की जिद पर शादी हो गई और बाबा ने हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। बहुत कोशिश की बट बाबा ने हर रास्ता बंद कर दिया और दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। बाबा में अना बहुत थी, सो कुछ टाइम बाद मामू लोग भी शिफ्ट कर गए। बहुत ढूंढा मैंने उससे मगर किस्मत को मंजूर नहीं हुआ कभी, अब तो आदत हो गई है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मामा बस बहुत रोए हम, किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है, नादिया हला कहाँ है मुझे पता है। वो उनकी गोद में सर रख कर लेटा। कितने अरसे बाद सुकून मिला था उसे माँ की आगोश में, कहाँ है, उन्होंने असहद हैरानी से उसे देखा। ये जो नकचड़ी बहू नहीं आपकी, उसकी मामा मेरी हाला है नादिया वहीद, उसने इत्मीनान से कहा। तुम सच कह रहे हो, वो बेगिनी से बोली। जी मामा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मामा मैं जिस दिन कोयटा गया मुझे परी से मोहब्बत हो गई, मैंने उसे पाने के लिए जब जिद की तो नादिया हला भी आ गई। उन्होंने देख कर हज़ार वोल्ट का करंट लगा। अरहम तुम्हें याद है मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठा था, उन्हें सब बताने लगा था, मगर सोचा पहले परी को बताऊँ, लेकिन जब रूम में गया परी के लिए मोहब्बत फिर जाग गई। सोचा इससे शादी करके सब हकीकत बता दूंगा, मगर बताते भी आज काफ़ी महीने हो गए। अब आप कोयटा जाएं क्योंकि माफ़ी मैं मांग चुका हूं, मगर ये नहीं बताया कि कौन हूं मैं। वो धीरे धीरे बोलता सवाई अरहम के, हर नफूस को हर
हर नफूस को अजहद हैरान कर गया था इस हकीकत से। हुदैद थैंक्स अलर्ट बेटा, वो अब खुशी से रो रही थी। हुदैद ने उन्हें साथ लगाया, सब हैरानी और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। हुदैद ने इत्मीनान भरी सांस गहरी सांस खारिज की। बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट भी चाहिए हमें, सैयद साहब ने उसे देखा। आप सब परी की मुस्कुराहट वापस करें, मैं हुदैद की करूँगा, आई प्रॉमिस। उसने बाबा को देखा, और ये हमारा काम है, वो मुस्कुराए थे। एक बेटा मिल गया था, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा सब। रुमैसा मुस्कुराई थी, सब दिल से मुस्कुराए। खुशी नहीं कि अब कोई मेरा हो जाए, गम नहीं कि मुझसे कोई अब खो जाए। कहने को तो सब कुछ है दिल में छुपा रखा, गर कोई जख्मों का मरहम ही मिल जाए। नहीं लेंगे अब उससे हेरात में भी मोहब्बत, हशर भी अब बेशक बरप हो जाए। हमेशा ही मिली हमको वफा के बदले जफा, अब क्यों किसी से कोई गिला किया जाए। कर लिया है समझौता यूं हालात से अस्करी, जो किस्मत में ही नहीं उसे क्यों मांगा जाए। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवेल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।